भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता कई महीनों से परेशान है। पेट्रोल के दाम तो 100 का आंकड़ा कब का पार कर चुके हैं, लेकिन अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोगों का यही हाल हो रहा है। वहां भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 137 रुपए प्रति लीटर से ऊपर और डीजल के दाम 134 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुके हैं। इसी तरह से कैरोसिन के दामों में भी 10.95 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जिसके बाद इसके दाम अब 110.26 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। यानी कि इस समय पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन तीनों ही पेट्रोलियम ईंधन 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में ईंधन के दामों के बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2018 के मुकाबले इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $85 प्रति बैरल से अधिक हो चुके हैं। खास तौर से बीते कुछ महीनों में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है, जिसके बाद सप्लाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दामों के दबाव के बीच उसने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स को सबसे कम रखते हुए जनता को भारी राहत दी है। सूचना राज्य मंत्री फर्रुख हबीब ने तेल के दामों में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दामों से अगर तुलना की जाए तो पाकिस्तान में यह बहुत कम है। उन्होंने तेल के दामों में बढ़ोतरी के लिए कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है। हबीब ने संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 1970 के बाद महंगाई में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तेल और बिजली के दामों में बढ़ोतरी के लिए दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल IMF ने व्यापक आर्थिक ढांचे को लागू न करने को लेकर पाकिस्तान का आर्थिक पैकेज रोक लिया है। जुलाई 2019 में IMF ने 39 महीने की व्यवस्था के तहत एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF की व्यवस्था पाकिस्तान के लिए की थी। इसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए $6 अरब का आर्थिक सहयोग पाकिस्तान को दिया जाना था, लेकिन IMF ने नीतियों में तब्दीली ना करने को लेकर पाकिस्तान का छठा और अंतिम आर्थिक पैकेज रोक लिया था। पाकिस्तान सरकार एक ओर जहां तेल के दामों में बढ़ोतरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दामों को बता रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक आंकड़े इसके लिए पाकिस्तान की खस्ता अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार बता रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में पाकिस्तान का तेल आयात बिल 97% तक बढ़ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह जहां $2.32 अरब था, वहीं यह अब $4.59 अरब हो गया है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बढ़ते तेल के दाम और पाकिस्तानी रुपये की गिरावट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के आगे खाद्य वस्तुओं के आयात बिल की भी चुनौती है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में पिछले साल की तुलना में 38.03% का इजाफा हुआ है। जहां पिछले साल यह $1.71 अरब था, वो इस साल $2.36 अरब हो गया है। लगातार खाद्य वस्तुओं का बढ़ता आयात बिल और बढ़ता घाटा भी पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान ने $8 अरब की खाद्य वस्तुएं आयात की थीं। अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान का खाद्य वस्तुओं का आयात बिल और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने 6 लाख टन चीनी और 40 लाख टन गेहूं आयात करने का फैसला किया है। बढ़ते आयात बिल को देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की मार आम जनता पर और पड़ सकती है। इसके अलावा इमरान खान सरकार को देश की खस्ता अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े आर्थिक फैसले लेने होंगे।